What's up guys, this is Kailash and you watching Technical Kailash YouTube channel. दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कैसे आप MX Player की कोई भी फाइल जो आप डाउनलोड करते हो, वीडियो वगैरह, वेब सीरीज़ हो या म्यूज़िक हो या फिर टीवी शो, आप कुछ भी अगर डाउनलोड करते हो, मूवी भी डाउनलोड करते हो, तो वो आप एक दूसरों के साथ शेयर कैसे कर पाओगे। अगर आप चाहते हो कि दूसरे मोबाइल में उस फाइल को सेंड कर पाओ तो आप वो कैसे कर पाओगे, आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना, वीडियो बहुत कमाल के होने वाले। अगर वीडियो अच्छी लग जाए, आपको वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिले, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो, मैंने ये वीडियो डाउनलोड कर ली है और ये मेरे इस मोबाइल में है। अब मैं चाहता हूं कि मैं इसे अपने दूसरे मोबाइल में सेंड कर पाऊं, तो यहां पर मुझे कोई भी ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है, सिर्फ एक ही ऑप्शन देखने को मिल रहा है जो कि है वहां पर डिलीट का ऑप्शन। तो आखिर अब हम इसको कैसे सेंड करेंगे? तो इसके लिए इजीली आपको क्या करना है, आपको चले जाना अपने मोबाइल की फाइल मैनेजर। तो फाइल मैनेजर आपको सर्च करना है, फाइल मैनेजर को आपको ओपन कर लेना है। फाइल मैनेजर को ओपन करने के बाद आपको एक ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा जिसका नाम है शो हिडन फाइल्स। तो आपको सेटिंग्स में चले जाना है, वहां पर आपको शो हिडन फाइल्स का फीचर मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता तो आपको ढूंढ लेना है, आपके फाइल मैनेजर में जरूर होगा। इस सेटिंग को इनेबल करने के बाद आ जाना है आपको वापस अपने फाइल मैनेजर में, और यहां पर आपको ढूंढना है एंड्रॉइड नाम का फोल्डर, जहां पर आप देख सकते हो ये है मेरे को एंड्रॉइड नाम का फोल्डर मिल गया। अब आपको जाना है इसमें यहां से डेटा में, तो आपको इजीली डेटा पर क्लिक कर देना है। जैसे कि यहां पर हमने डेटा पर क्लिक कर दिया, अब यहां पर आपको एक फोल्डर ढूंढना है जिसका नाम है com.mxplayer। यहां पर आपको देखना है कि MX Player नाम से कोई फोल्डर यहां पर आपको जरूर मिलेगा। तो यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर कुछ देर ढूंढने के बाद यहां पर हमें भी वो फोल्डर यहां पर मिल जाएगा। तो आपको इजीली यहां पर देख, जैसे यहां पर आप देख सकते हैं mxtech.videoplayer यहां पर लिखा होगा, आपको इजीली इस फोल्डर को ओपन करना है। यहां पर आपको फाइल्स नाम का एक फोल्डर मिलेगा, आपको इजीली उसको ओपन कर लेना है। जैसे कि यहां पर हमने इस पर क्लिक कर देता हूं और इसको ओपन कर लेता हूं। तो जैसे ही मैं इसको ओपन करता हूं, यहां पर आपको एक फर्स्ट नंबर पर ऑप्शन मिलेगा नो मीडिया, तो आपको इजीली उसको ऑन कर देना है। ओपन करने के बाद यहां पर आपको एक फाइल मिली होगी, जो कि जितनी भी आपने फाइल डाउनलोड की होंगी सारी फाइल्स यहां पर ही सेव होती हैं। तो आपको इजीली क्या करना है, इसको कर लेना है कॉपी, और कॉपी करने के बाद इसे आपको अपनी इंटरनल स्टोरेज में पेस्ट कर देना है। अब जब डायरेक्टली आप इस फाइल को ओपन करोगे तो ये फाइल ओपन नहीं होगी, तो आपको इजीली क्या करना है, इसका आपको रीनेम करना है और इसका एक्सटेंशन चेंज करना है। तो आपको इजीली इसका नाम चेंज करना है, तो हम यहां पर नाम चेंज करके आपको बताते हैं। आप इसका कोई भी नाम रख सकते हो, आप कोई, जैसे कि यहाँ पर मैं टेक्निकल कैलाश डाल के बता देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको एक एक्सटेंशन यूज़ करना है। तो जैसे ही आपका नाम आप लिख देते हो, उसके बाद आपको विदाउट स्पेस दिए आपको इजीली डॉट लगाना है। डॉट लगाने के बाद वहाँ पर आपको लिखना है MP4। जी हाँ दोस्तों, आपने स्पेस नहीं देना है, डायरेक्टली आपको लिखना है। जैसे यहाँ पर मैंने टेक्निकल कैलाश लिख दिया, इसके बाद इजीली डॉट लगाया, डॉट में तो एक स्पेस आ गया, तो मैं इजीली इसको बैक करके यहाँ पर MP4 लिख दूंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो MP4 हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर इजीली इसको सेव कर देना है, तो यहाँ पर हम ओके कर देंगे, तो वो यहाँ पर परमिशन आए तो आपको ओके कर देना है। तो ये आप देखोगे कि ये वीडियो में कन्वर्ट हो गई है, फोटो जो वीडियो है, आप जब इजीली इसको प्ले करोगे तो ये प्ले नहीं होगी। यहाँ पर आप देख सकते हो ऐसा कुछ आएगा, तो मैं बता देता हूं ये आखिर क्यों आता है। तो आपको क्या करना है, अगर आपको ऐसा कुछ अगर आ रहा है तो आपको इस फाइल को MX Player से ही प्ले करनी है, क्योंकि ये MX Player से डाउनलोड की गई, तो ये उसी से प्ले की होगी, ये ऐसा एक्सटेंशन में है। तो आपको क्या करना है, इजीली इसको MX Player से ओपन करना है। MX Player से आप ओपन करोगे तो आप देखोगे कि ये वीडियो आसानी से चल रही है और आप इसे आराम से देख सकते हो, कोई प्ले में कोई अटकती भी नहीं है वीडियो, कोई दिक्कत नहीं आती है, सिर्फ MX Player से ही आपको इसको प्ले करना है। दोस्तों अब आप सोच रहे हो कि हमने इसको शेयर करना तो बताया नहीं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे कि हमने इंटरनल स्टोरेज में आपको जो कॉपी कराई थी तो वो यहाँ पर आ गई है फाइल। तो आपको इजीली क्या करना है, इसको यहाँ पर से शेयर कर सकते हो आप किसी भी ऐप से। यहाँ पर आप देख सकते हो MI शेयर भी यूज़ कर सकते हो, MX शेयर भी यूज़ कर सकते हो, या एग्जेंडर वगैरह, आप किसी भी ऐप से यहाँ पर शेयर कर सकते हो। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ शेयर मी से शेयर करके, मेरे पास दूसरा मोबाइल है उसमें भी शेयर मी है, तो यहाँ पर मैं इजीली उससे शेयर करके आपको बता देता हूँ। तो अब हमारे डिवाइस सक्सेसफुली पेयर हो गए और यहां पर आप देख सकते हो वीडियो स्टार्ट हो गई है यहां पर शेयर होना, तो यहां पर ये सक्सेसफुली सेंड भी हो गई है लगभग से। तो अब आप यहां पर आप देखोगे कि वही इशू यहां आने वाला है, जब आप इसको प्ले करोगे तो वो एरर आएगा। तो आपको इजीली क्या करना है, इस मोबाइल में भी आपको MX शेयर सेंड कर देना है,
MX Share, सॉरी MX Player आपको यहाँ पर सेंड कर देना है और आपको इसी से उसी MX से प्लेयर से ही आपको वीडियो को प्ले करना है, तो आप इजीली यहाँ पर आप देख पाओगे। तो दोस्तों आप देख सकते हो हमने इसमें भी MX Player सेंड कर दिया है और अब हम इसी इस मोबाइल में प्ले करेंगे उस वीडियो को जो हमने अभी आपको सेंड की है, जो कि हमने Xiaomi से सेंड की थी। तो यहाँ पर Xiaomi फोल्डर के अंदर यहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं कि आपकी जो वीडियो है वो चल रही है या नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें बिना कोई परेशानी के यहाँ पर वीडियो प्ले हो गई है और आप देख पा रहे होंगे कि एकदम क्लियर है, कोई इशू नहीं है। तो दोस्तों आई होप आप वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो समझ आ गई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो लाइक जरूर कर देना यार, एक ही तो लाइक है। और कमेंट में अपना नाम कमेंट में जरूर करें ताकि हमें भी पता चलाए आप हमारी वीडियो को देखते हो। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर देना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। Yeah.